गाइस यार, बहुत दिनों बाद वापस व्लॉग बना रहा हूँ, पर आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज मैं आया हूँ नोएडा सेक्टर 62 में और होटल का नाम है पार्क एक्सटेंड। अभी हमने शुरुआत करी है एक बियर के साथ। चीयर्स। उसके बाद हम कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा बुफे का, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, यहाँ पे फूड क्वालिटी कैसी है और फूड कौन कौन से फूड है और कौन से बेस्ट सेलिंग फूड है। ठीक है, तो देखते रहिए। ये फिश लग रहा है चाइनीज प्रिपरेशन में। नाम हम पूछता हूँ बाद में कि नाम कौन सा है। बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये भी फिश है जो कि इंडियन तरीके से बना रखे है। वाओ, फूड इज रियली गुड। सो हाय, नमस्कार। चलो हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर लोगों से। ये हैं मिस्टर रावत, राकेश रावत जी। हेलो रावत जी। और ये है मिस्टर अमित। नमस्कार। नाइस टू मीट यू गाइस। तो आपसे कुछ क्वेश्चन है हमारे। आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है? द कल्नरी को। कौन सी क्विजिन सर्व करते हैं सर आप? वी आर सर्विंग द मल्टी क्विजिन फूड ओवर हियर। मल्टी क्विजिन? यस, एशियन, इंडियन एज वेल कॉन्टिनेंटल। कितने कवर का रेस्टोरेंट है? इट्स अ 120 कवर रेस्टोरेंट। वी हैव द लैविश बुफे ओवर देयर, इंक्लूड्स सैलेड, सूप, डेजर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ठीक है, बुफे का तो मैंने आपको टूर करा दिया है। बुफे बहुत ही लैविश लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छे डिशेज हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडियन से लेके चाइनीज और कॉन्टिनेंटल भी है कुछ आइटम्स। आपका बार का नाम क्या है? दिस इज द मॉल्टन ब्रू। सिग्नेचर डिशेज क्या क्या हैं आपके इसमें?
We have like dal accent. We can say dal makhani is an awesome one. Dal accent means कौन सी दाल है? दाल makhani, black dal. आपका लेकिन थोड़ा special touch है. Yes, it's a signature dishes. And even we have kebabs as well. Mouth watering kebab we have. Unique kind of tandoori paneer tikka. It's called paneer ke shole. दही के शोले भी है. It's very good. We have signature dishes like pizza we have. Accent style pizza. So it's very sellable. Like people used to come for that. आपका USP क्या है? Food या service है आपकी? हमारी USP है service. Service is very good. मैंने आपका food भी taste किया है. Food is so amazing. Busy कब होता है? Busy का time क्या है? Sir actually Saturday को Sunday को हमारा जो weekend होता है बहुत busy होता है. कोविड से कुछ कितना फ़र्क पड़ा बिजनेस का, कितना इफेक्ट हुआ आपका? सर इफेक्ट हुआ है लेकिन अभी धीरे धीरे हम कोप अप कर रहे हैं, मतलब चीज़ें अभी हो रही हैं. तो अब क्या है कि मतलब फुटफॉल भी बढ़ रहा है, तो पहले तो थोड़ा कम था, अब वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे. आपका बुफे का प्राइस कितना है, लंच और डिनर दोनों का अलग अलग जो भी है? आर बुफे प्राइस 1200 प्लस टैक्सेस. नाउ डेज वी आर यू नो गुड ऑफर इज गोइंग ऑन इज 1799 वन प्लस वन बुफे प्लस टैक्सेस. ओके राइट सर, तो 1799 प्लस टैक्सेस, इसमें 1+1 का बुफे. यस 1+1 बुफे. ये दोनों लंच और डिनर दोनों में चल रहा है? बहुत. थैंक यू सो मच, आपकी बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटल. थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका खाना. थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच. तो गाइस मुझे जो खाना बहुत टेस्टी लगा. कर्टियस स्टाफ है, वेरी फ्रेंडली स्टाफ, मतलब बहुत मज़ा आ गया. जो लगता है ना कि एक अच्छे होटल का जो होना चाहिए वो दिखा मुझे इसमें. तो चलो अभी हम अपना खाना पूरा करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे. गाइस हम हैं आज पाक एक्सेंट में, तो मेरे साथ हैं एक मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त. 2008 से हम लोग दोस्त हैं, साथ साथ एक ही जगह काम करते थे, और उनका नाम है सुनील राणा. तो उनकी एक झलक दिखाता हूं आपको. ये है हमारे राणा जी, बहुत ही पुराने दोस्त हैं. राणा जी कैसा लगा आपको यहां पे आके? बहुत अच्छा लगा. ये पार्क एक्सेंट नोएडा में है, सेक्टर 62 में. बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज है, खाना बहुत अच्छा है इनका. आप लोग कभी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर इन्जॉय कीजिए. आपको सर्विसेज कैसे लगी, स्टाफ कैसा लगा? सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, और खाना स्पेशली इनका चिकन संघाई और फिश टिक्का बहुत अल्टीमेट है इनका. खाने की क्वालिटी ना 5-star होटल से कम नहीं है. बने रहिए हमारे साथ. What?